प्लीज यार समझ, मैं नहीं रह सकता तेरे साथ। लेकिन क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? नहीं। फिर क्या बात है? मेरी शादी हो रही है किसी और से। फिर मेरा क्या? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। देख यार, आजकल के टाइम में ना कोई प्यार व्यार नहीं होता, और मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा रिश्ता देखा है मेरे लिए, और मैं खुश हूँ, तो तू भी खुश रहे। प्लीज साहब, ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये सब सिर्फ कहने की बात है, सब रह लेते हैं। जिगर ते चोट है जुदाई तेरे तो, सजाए मौत है जुदाई तेरे तो। टूट के से ही पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं रुस्तम। तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, हो कौन तुम और मुझे जानते हो? ना जी ना, जानता तो नहीं हूँ। तो फिर रुमाल क्यों दिया? वो क्या है ना यार, तुम्हें ऐसे रोता हुआ देख के मेरे से रहा नहीं गया। और यार देखो, लाइफ में प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना होगी। कुछ प्रॉब्लम ना कभी सॉल्व नहीं होती। दुनिया में ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं बताना तुम्हें, तुम अपना काम करो। मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। मतलब? यार देखो, एक इंसान ही इंसान के काम आता है, तो मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारे काम आ रहा हूँ, तो हुआ ना मेरा काम। यार तुम कितनी बातें बनाते हो, तुम ऐसे ही सबकी मदद करते हो क्या? सबकी मदद तो नहीं करता, तुम कुछ स्पेशल हो। क्या मतलब? अरे मतलब कि तुम मुझे ज्यादा परेशान लगी, इसलिए तुम्हारी मदद करने आ गया। यार देखो, मेरा ना पहले से मूड बहुत खराब है, तो और मत दिमाग खराब करो, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। यार देखो, किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने से ना मन हल्का होता है, तो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। मुझे नहीं बताना। समझ गया मैं, बॉयफ्रेंड का चक्कर, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ होगा। तुम्हें कैसे पता? अब इतनी धूप में कोई बाहर आके फैमिली प्रॉब्लम की वजह से तो रोएगा नहीं। देखो तुम ना यहाँ से चले जाओ। रुको, तुम क्यों जाओगे, मैं ही चले जाती हूँ। अच्छा सुनो तो, वैसे कल मैं इसी टाइम मिलूंगा यहीं पे। आप, वैसे आपका ही वेट कर रहा था। मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, वो गलती से मैं आपका रुमाल लेके चली गई थी। वैसे ये रुमाल अपने पास रख सकती हो, कम से कम इसे देख के मुझे याद तो करोगी। मुझे ना आपको याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना रुमाल लीजिए, मुझे लेट हो रहा है। यार चली जाना, दो मिनट बैठो तो प्लीज। देखो यार, इस बार सीरियस, तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम उसे याद करके हर्ट ही होगी। आई नो यार, ब्रेकअप के बाद तकलीफ तो होती है, बट मेरी एक बात मान लेना, ये वक्त है ना सारे घाव भर देता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब भूल जाओगी। किसी को फिलॉसफी देना ना बहुत आसान बात है, जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। मैं कोई फिलॉसफी नहीं दे रहा, मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है इसलिए बता रहा हूँ। और पता है, जब तुम इन चीज़ों से निकल जाओगी ना, तब सोचोगी कि मैं कहाँ ही फंसी पड़ी थी। बोलना ना आसान होता है, लेकिन उन चीज़ों से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आई नो यार, टाइम लगेगा, आसान नहीं होता। अपने आप को बिजी रखो और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, सब भूल जाओगे,
ट्रस्ट में। वैसे इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम कॉफी पे चलो थोड़ी बातें भी हो जाएंगी और अच्छा फील करोगी। इतना मत सोचो, चलो। कहती है दुनिया मुझे एक तरफा आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। कहती है दुनिया मुझे एक तरफा आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। आती है घर मेरे वो गली बन गए तुम आखिरी वजह, पहली खुशी बन गए हंसी बन गए। अच्छा अपना फोन दिखाना। क्यों? अरे दिखाओ तो सही, इतना सवाल करती हो। मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, जब भी तुम्हें अकेला फील हो मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है? बाय। मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, जब भी तुम्हें अकेला फील हो मेरे को कॉल कर लेना। हेलो। मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगी। अच्छा इतना भरोसा? वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि ये मैंने कॉल की है? बस पहचान लेते हम। अच्छा ये बताओ, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, पहले से बेटर फील हो रहा है। मेरे बताए हुए रास्तों पे चलोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। रात जा चुकी है, नींद लापता है, हो रहा है ऐसा क्यों बताना। बाकी तुझको लगता ऐसा जैसे कि फकीरा को मिल गया हो बरसों का खजाना। जुल्फे खोल बैठी है तू शायद से, काली इस घटा ने फरमाया है। वैसे दोस्तों तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने कभी मुझे अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया, जो मेरे साथ हुआ है क्या तुम्हारे साथ भी वही हुआ है? मेरे पास्ट के बारे में ना जाना तो ही अच्छा है, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। बस आ गया 2 मिनट में भी। अच्छा ठीक है। अननोन नंबर। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? इतनी जल्दी आवाज भूल गई और शायद मुझे भी। राघव। ओ चलो कम से कम मुझे पहचान तो लिया, मुझे तो लगा था मुझे पहचानोगी भी नहीं।
कॉल क्यों किया तुमने? बस तेरी याद आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? तेरी बीबी तुझसे प्यार नहीं कर रही क्या, जो तुझे मेरी याद आ गई? अरे मैंने कोई शादी वादी नहीं की। बस राघव, कितना झूठ बोलोगे अब ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तेरी कसम यार, मैंने कोई शादी नहीं की, बस तुझसे झूठ बोला था। देखो मुझे कुछ नहीं जानना कि क्या सच है और क्या झूठ है। आइंदा से ना मुझे कभी कॉल मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हेलो हेलो सुन तो, हेलो सॉरी लेट हो गया मैं। अच्छा सुन, आज ना हम वहाँ काजल, काजल कहाँ खोई हुई हो, ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं, वो बस मैं कुछ सोच रही थी। कुछ बात है बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। ठीक है। वैसे मैं क्या सोच रहा था, आज ना हम मूवी देखने चलते हैं। मैंने मना किया था ना तुम्हें कॉल करने के लिए, फिर तुम कॉल क्यों कर रहे हो? सुन कॉल मत काटियो, देख आखिरी बार मुझसे मिल ले, फिर मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूंगा। मैं तेरा वही वेट करूंगा जहां हम हमेशा मिलते थे। मुझे ना नहीं मिलना तुमसे और मैं नहीं आऊंगी। अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी फीलिंग्स होगी ना तो तू जरूर आएगी। यार कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रहेगी तुम? अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी फीलिंग्स होगी ना तो तू जरूर आएगी। क्या हो गया, कुछ बोलोगी? यार मेरी ना आज तबीयत खराब लग रही है, आज का प्लान कैंसिल कर दे। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस हल्का हल्का सा फीवर हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। और ज्यादा दिक्कत है तो बताओ मैं आऊं। नहीं नहीं ज्यादा दिक्कत नहीं है, दवाई खा के सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है अपना ख्याल रखो। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ, बोलो क्या बात करनी है? यार काजल, तेरे से दूर जाने के बाद पता चला कि तू मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे और मेरी लाइफ में वापस आ जा। राघव अब सब खत्म हो चुका है, मैं दोबारा ना तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती। यार काजल, मैं तुझसे अभी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और मुझे पता है कि तू अब भी मुझसे प्यार करती है। प्लीज यार मुझे माफ कर दे। ना दर्द है ना गम तेरे, ना इश्क है ना तेरी वो चाहते। हाँ खुश हूं मैं बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें। है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी? काजल तुम कल कहाँ थी? घर पे थी। क्यों क्या हुआ? सच में घर पे थी। हाँ और क्या? क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? आंसर सिर्फ यस या नो का देना। दोस्तों मेरी बात सुनो। यस या नो?
Yes. पता है काजल, इसमें ना तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई थी जो तुम उसे भूल नहीं पाई। तुमने कहा था साथ जिएंगे, होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ ये थामे चलती रहूंगी, वक्त ये ले जाए कहीं। झूठी है ये सारी कसमें, सारे वादे प्यार के। हेलो, कहाँ रह गई यार, कब से वेट कर रहा हूँ। अरे हाँ, बस आ रही हूँ 2 मिनट में। ठीक है। प्लीज साहब, ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये सब सिर्फ कहने की बात है, सब रह लेते हैं। रुस्तम, कमी तुम्हारे प्यार में नहीं थी, कमी मेरी समझ में थी, जो मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई। मैं उस इंसान के पास जा रही थी जो आज नहीं तो कल मुझे छोड़ ही देता, और तुमने तो मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैं ये कैसे भूल गई। पता है रुस्तम, लोग उस इंसान के पीछे भागते हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करता, और जो आपकी वैल्यू करता है ना, लोग तो उसकी कदर ही नहीं करते। रुस्तम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। I'm sorry, I love you. फिर छोड़ के चली गई तो तुम? अरे नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। रहने दो, तुम लड़कियों का ना भरोसा नहीं है कुछ भी। I love you too. आज के बाद ना छोड़ के मत जाना। कभी नहीं जाऊंगी बाबा, कभी भी नहीं। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और मेरा चैनल इट्स रुस्तम सब्सक्राइब कर लेना। और आई नो गाइस यार, ट्यूशन वाला प्यार का सेकंड पार्ट नहीं आया क्योंकि यार कुछ इशू चल रहा था, इस वजह से वीडियो भी लेट हो गई। इस वीडियो के बाद पक्का सेकंड पार्ट आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी मिलते हैं ट्यूशन वाला प्यार के सेकंड पार्ट के साथ। लव यू ऑल।